लोगों तक पहुंचा रहे हैं। चार दलित मंत्रियों को जगह दी गई है, जो मैं समझता हूं अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश की सरकार और हमारी पार्टी चाहते हैं कि जो दलित हैं, उपेक्षित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए। और क्योंकि हमारी सरकार के अंदर काफी समय से कोई दलित का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, अब उसकी न सिर्फ भरपाई की है लेकिन अच्छी बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों को कैबिनेट रैंक देकर, दर्जा देकर मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। इसी प्रकार हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत जरूरी और आवश्यक कदम था जिसको कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने आगे ले जाने का काम किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हमारा संकल्प है कि जिस प्रकार हम लोगों ने पूरे देश में उपचुनाव जीते हैं, भाजपा को हराया है, तो हमारा ध्येय यही है कि जिस प्रकार किसानों का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया, प्रधानमंत्री जी को मजबूर होके वो तीनों कानून वापस लेने पड़े, इसी प्रकार का प्रहार जो गरीबों के जेब पर कर रही है बीजेपी की सरकार, महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, व्यवसायों को लेकर, सब लोग पीड़ित हैं। आज हम सबको मिलकर ऑल इंडिया लेवल पर और राजस्थान लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और जो हम लोगों का आने वाले समय में जो वर्किंग है वो इसी प्रकार की होनी चाहिए कि हम सब मिलकर भाजपा के जो कुकर्म है वो जनता के सामने लेकर जाएं। महिलाओं को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है, नौजवानों को मौका दिया है, अनुभवी लोगों को मौका दिया है और क्षेत्रीय सामाजिक संतुलन मिलाकर पूरे प्रदेश में समझता हूँ एक नए स्वरूप से सरकार का जो ढांचा तैयार किया गया है उससे आने वाले समय में कांग्रेस को फायदा मिलेगा और राजस्थान से प्रेरणा लेकर अनेक राज्यों में भी हम इस प्रकार की जो तब्दीलियां करेंगे उससे मैं समझता हूँ हम लोगों को फायदा मिलेगा। तो अभी आपने सुना सचिन पायलट को, जिन्होंने बोला कि इस मंत्रिमंडल के जरिए हर वर्ग का ध्यान